अरे अनमोल, अच्छा हुआ तू मिल गया। जल्दी से नाना नानी की पैकिंग करवाने में मेरी मदद कर। हाँ पर मॉम अभी तक तो घर मिला ही नहीं है। डोंट वरी, वो पापा कर लेंगे। चल जल्दी चल। माँ पापा, आपको कुछ हेल्प की जरूरत है? मैं करवा दूँ? नहीं बिट्टू, मैं कर लूंगी। बेटा अब तो दिन भी ढलने आया, लेकिन महन जी का फोन अब तक नहीं आया। हाँ माँ, वो एक मिनट। हाँ महीन, क्या हुआ? माँ आप विश्वास नहीं करोगे कि महीन ने आप लोगों के लिए कौन सा घर ढूंढ निकाला है। अरे सुनिधि, ये सब सामान अभी से क्यों खरीद रही हो? ये प्रैम, बेबी सीट, ये सब तो बच्चे के फर्स्ट बर्थडे के बाद ही यूज होता है, अभी नहीं। थैंक यू दीदी, मैं तो कब से वेट कर रही थी कि आप कुछ बोले। क्यों दीदी, अगर ये सामान मैं अभी ले लूंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी घर पर? या फिर आप ये कहना चाहती हैं कि मैं फिजूल के पैसे खर्च कर रही हूँ? घर का खर्चा मेरी वजह से बढ़ रहा है, यही कहना चाहती हैं आप? सुनिधि, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छी तरह से समझती हूँ मैं कि आपने क्या कहा और आपका मतलब क्या था। अरे दीदी, आप जानती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारी जरूरतें बढ़ने वाली हैं, लेकिन आप हैं कि मेरे साथ कुछ शेयर ही नहीं करना चाहती। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती हैं आप। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो सुनिधि। तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? किस चीज की कमी होने दी है हमने तुम्हें? अच्छा, पीहू और अनमोल का कमरा, जब आपके बच्चों के लिए अलग से कमरा हो सकता है तो मेरे बच्चों के लिए क्यों नहीं? पर है कोई कमरा जिसे मेरे बच्चे अपना कह सके? सुनिधि, बस करो। नहीं संजू, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, आज फैसला होकर रहेगा। बताइए दीदी, इसे कहते हैं शेयर करना कि आपकी फैमिली के पास दो दो कमरे और हमारे पास एक ही कमरा? सुनिधि, अब इसके आगे एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। क्यों क्यों चुप हो जाओ? मैं आप मुझे क्यों चुप करा रहे? क्योंकि मैं सच कह रही हूं और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चुप रहा है आपको? आप भी सुन लीजिए, मुझे प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहिए, बंटवारा चाहिए, बंटवारा चाहिए। मुझे ये जिद करने पर कौन मजबूर कर रहा है दीदी? क्या आप लोग मुझे दे रहे हैं जो मैं मांग रही हूं? नहीं ना, इसलिए मेरी इज्जत के जिम्मेदार हैं आप लोग। इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। अरे रहन दे तुम, क्या वाली कोई जरूरत नहीं है ऐसे समझाने बुझाने की। हाँ मम्मी जी, हाँ हो गई हूँ मैं पागल, पागल हो गई हूँ मैं। लेकिन मुझे भी अपनी बात मनवाना अच्छे से आता है। आप सबको प्रूफ चाहिए ना कि मैं कितनी सीरियस हूं? मैं दूंगी आप लोगों को प्रूफ। मैं आज आप सबके सामने ये प्रण लेती हूं कि जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा और मुझे हमारा बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं ना तो कुछ खाऊंगी, कुछ खाऊंगी, कुछ खाऊंगी, कुछ खाऊंगी, और ना ही, और ना ही, और ना ही, और ना ही। फिर चाहे मेरी इस लड़ाई में मेरी 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 और मेरे और मेरे वाले बच्चे की वाले बच्चे की वाले बच्चे की जानी क्यों ना चली जाए, क्यों ना चली जाए, क्यों ना चली जाए।